इमन, अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम के, तो आप किन को समझती हैं टॉप फाइव, अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें या मीडियम पेसर्स की बात करें, आप किसे समझती हैं? देखें, आई गेस के शाहीन शाह अफरीदी तो ऑन टॉप हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन आज उन्होंने भी बड़ी फैटी खाई है। कोई बात नहीं, बैटिंग ट्रैक था, लेकिन वही बात है ना कि अच्छी बॉल पे आपको रन्स भी पड़ जाते हैं और बुरी बॉल पे आपको विकेट्स भी मिल जाती हैं। तो शाहीन शाह के अंदर वो गट्स हैं जो एक क्रिकेट प्लेयर में, तो एक शाहीन हो गया और चार नाम और बाकी। नसीम शाह ने अपना कमबैक करना है एंड आई एम श्योर कि वो अच्छा कमबैक करेंगे। और आमिर जमाल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया में, 6 आउट किए अपने डेब्यू मैच में, तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और अच्छी बात यह कि वो ऑलराउंडर हैं। फिर उसके बाद जो है आपके पास मीर हमजा हैं, जिनको हम कहते थे कि इनकी स्पीड नहीं है, लेकिन उनके पास स्विंग है, तो वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और हम ये खुद से जो सोच लेते हैं कि इनके पास स्पीड नहीं है, ये आउट नहीं कर सकते, तो आई थिंक कि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके इतनी अच्छी बॉलिंग करके। तो और यंगस्टर्स में हमारे पास अब जीशान है अंडर 19 में, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, वो बैच आएँ। इवन हुनैन शाह इज़ डूइंग वेल इन डोमेस्टिक, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो आपके पास बंच ऑफ प्लेयर्स है, लेकिन उनको आपने कैसे यूटिलाइज करना है ये बहुत मैटर। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्लेयर्स के, हमें दो तीन ही के नाम याद होते हैं। अगर एक जनरल शायकीन से पूछेंगे आप, तो उसको दो तीन ही नाम याद होंगे। ये दो तीन नाम का सिलसिला खत्म करना होगा।